हेलो स्टूडेंट्स, 12वीं क्लास के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था दूरदर्शी। ठीक है, 9वें लेसन के अंदर अपना लास्ट टॉपिक रह गया था दूरदर्शी, उसको आज अपने कंप्लीट कर लेंगे। तो आज अपना लेसन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने बात करते हैं दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी हमने कर ली थी, दूरदर्शी जिसको टेलीस्कोप बोलते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप, दूरदर्शी क्या होते हैं? देखो, सूक्ष्मदर्शी क्या थी कि एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं, वो क्या कहलाती है? सूक्ष्मदर्शी कहलाते हैं। अब आती है अपने पास दूरदर्शी। तो दूरदर्शी क्या होती है? दूरदर्शी क्या होती है? जैसे आकाश के बड़े खगोलीय पिंड हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दूर है। ठीक है, उनका स्पष्ट रूप से अध्ययन करने के लिए, उनके क्लियर इमेज प्राप्त करने के लिए अपने किसका उपयोग करते हैं? दूरदर्शी। ठीक है, अब ये दूरदर्शी क्या काम करते हैं? देखो, एक होती है सूक्ष्मदर्शी, और एक है दूरदर्शी। दोनों में एक डिफरेंस है। सूक्ष्मदर्शी क्या काम करती है? जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं, इनका बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। क्या करती है? बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, कौन? सूक्ष्मदर्शी। लेकिन दूरदर्शी क्या करती है? दूरदर्शी क्या करती है? देखो, दूरदर्शी, देखो जो खगोलीय पिंड है वो तो ऑलरेडी बहुत ही बड़े हैं, है ना? तो खगोलीय पिंड ऑलरेडी बहुत ही बड़े हैं, तो और कितना बड़ा करेगी टेलीस्कोप? तो दूरदर्शी का काम क्या है कि उस जो अपने पास खगोलीय पिंड है उसके प्रतिबिंब को नज़दीक करके बनाते हैं। ठीक है, दूरदर्शी का क्या काम है कि जो इमेज बनेगी उसको नज़दीक ले आते हैं। ठीक है, जिससे अपने क्लियरली उसका स्टडी कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो निकट प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या करते हैं? निकट प्रतिबिंब बनाते हैं। अब जितना प्रतिबिंब निकट होगा उसका दर्शन कोण क्या होगा? बड़ा होगा। दर्शन कोण बड़ा होगा तो इमेज आपको क्लियर दिखाई देगी। जैसे हमने देखा होगा, जैसे कोई टावर है, कुछ भी है, उसको यदि अपने दूर से देखते हैं, बहुत दूरी से देखते हैं, तो अपने को छोटा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आँख द्वारा बनने वाला दर्शन कोण क्या होता है? छोटा होता है। अब अगर उसी के पास चले जाएँ अपने, तो वो अपने क्या हो गया? पास आ गया। पास आज आने से क्या हो गया? दर्शन कोण क्या हो गया? बड़ा हो गया। इसलिए आपको वो प्रतिबिंब बड़ा यानी कि क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बात कर रहे हैं अपने। जैसे ये ऑब्जेक्ट आपके पास, ये बनने वाला अल्फा, ठीक है, अब ये दूर है, इसको यदि मैं पास ले आऊँ तो यहाँ आ गया है। अब ये बनने वाला कोण क्या हो गया? बड़ा हो गया है बीटा। टेलीस्कोप का ये काम है, जो बहुत दूर बन रहा था ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज को नज़दीक ले आए। नज़दीक लाने से ये प्रतिबिंब क्या हो गया? बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि दर्शन कोण बड़ा हो गया तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जिससे आप क्लियरली इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कई बार सूर्य ग्रहण वगैरह लगता है तो साइंटिस्ट टेलीस्कोप की सहायता से उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये होता है टेलीस्कोप या दूरदर्शी। क्या काम होता है? ये प्रतिबिंब को क्या कर देता है? निकट कर देता है, निकट प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा नहीं करता है। सूक्ष्मदर्शी क्या करती है? बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, दूरदर्शी क्या करती है? इसको निकट ले आती है। ठीक है, ऑब्जर्वर है। तो ये होती है दूरदर्शी, यानी कि दूरस्थ खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए जिस प्रकाशीय उपकरण का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? दूरदर्शी कहलाते हैं। अब ये जो दूरदर्शी है कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है खगोलीय दूरदर्शी, दूसरी न्यूटन प्रावर्तक दूरदर्शी।
न्यूटन परावर्तक दूरदर्शी। तो सबसे पहले अपने स्टडी करेंगे खगोलीय दूरदर्शी, ये क्या है। खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपने, खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग करते हैं, ठीक है, जो इनके निकट प्रतिबिंब बनाती है। तो इसका रे डायग्राम क्या रहेगा वो देखो। देखो इसमें भी क्या होंगे, दो लेंस होंगे आपके पास, ठीक है, अभिदर्शक और अभिनेत्र लेंस। सूक्ष्मदर्शी में ये लेंस छोटा था, इसमें ये लेंस होगा बड़ा। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होगा इसमें, बड़ा होगा, और ये अभिनेत्र लेंस या आई लेंस क्या होगा इसमें, छोटा। ये ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आई लेंस। तो खगोलीय पिंड क्या होते हैं, बहुत दूरी पर होते हैं, ठीक है। खगोलीय पिंड क्या होते हैं, बहुत दूरी पर होते हैं, और दूर से जो प्रकाश के किरणें आती हैं वो क्या आते हैं, परस्पर समांतर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से समांतर प्रकाश के किरणें निकालते हैं, जो एक तो प्रकाशीय किरण गुजरती है और प्रकाशीय केंद्र से अनंत से आ रही, ठीक है, और एक ही आ रही। जैसी लेंस से आपतित होगी तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, ठीक है। हम जानते हैं अनंत से आने वाली प्रकाशीय किरणें किस तल में होती है, फोकस तल में होते हैं। तो यहाँ इसकी क्या बन जाएगी आपके पास, इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश, ठीक है। अब आएगा आई लेंस, इसके फोकस बिंदु से जाएंगे, और प्रकाशीय केंद्र से, और पीछे कहीं ना कहीं ये मिल जाएंगे, ठीक है। डैश डैश करके कहीं भी मिला सकते हो आप, यहाँ एक इसका बड़ा प्रतिबिंब मिल जाएगा, कहीं भी यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, डैश डैश में कहीं ना कहीं पीछे मिलेंगे। तो ये डबल डैश बी डबल, इस प्रकार से इसका रे डायग्राम रहेगा, ठीक है। ये फोकस बिंदु है इसका F0 ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ये फोकस डिस्टेंस हो जाएगी F0, और ये जो है इसके लिए बिंब का कार्य करता है, तो ये UE हो जाएगी, ठीक है। अब अल्फा बीटा कहाँ होंगे, ये जो अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही है ये अल्फा बनाएंगे इसके साथ, और यहाँ ये जो है ये बन जाएगा बीटा, ठीक है। इसे अलग से डायग्राम नहीं बनेगा, पहले सूक्ष्मदर्शी में अपने अलग से बनाते हैं, क्योंकि उसको अपने नज़दीक करके देख सकते थे सूक्ष्म चीज़ों को। ये तो खगोलीय पिंड है, इसको नज़दीक करके कहाँ से देखोगे, ठीक है। तो इसलिए यहीं से आप इसका अल्फा काउंट करो, ठीक है। अब इसके आवर्धन क्षमता के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, आप टेन बीटा बटे टेन, ठीक है, या एम बराबर टेन टेन अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो। तो पहले आप त्रिभुज लोगे अल्फा के लिए ओ ए डैश बी डैश या ए डैश ओ डैश ओ बी डैश, टेन अल्फा क्या होगा, लंब बटे आधार यानी कि ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और ये वाला डिस्टेंस कितना F0 पॉजिटिव हो गए। नेक्स्ट त्रिभुज लेंगे अपना ये वाला बीटा के लिए त्रिभुज ए
ए डैश सी बी डैश में। लंब बटे आधार ए डैश बी डैश बटा ये यू डिस्टेंस आधार इसका, तो इसका होगा माइनस का है, क्या होगा माइनस का होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझाया आपको, तो अपने कोणीय आवर्धन क्षमता निकाल रहे हैं इसकी। कोणीय आवर्धन क्षमता के लिए आपको क्या करना होगा कि आपने टेन बीटा बटे टेन अल्फ़ा लिया, ठीक है, टेन बीटा बटे टेन अल्फ़ा, टेन बीटा बटे टेन अल्फ़ा लिया त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में, देखते हैं तो टेन अल्फ़ा कितना आता है, ये आ गया। तो त्रिभुज ए डैश ई बी डैश में देखते हैं तो टेन बीटा ही। अब समीकरण एक में वैल्यू रख दो आप, बाय वन देखो एम टेन बीटा कितना है, ये रहा ए डैश बी डैश बटा में एफ जीरो कैंसल, माइनस एफ जीरो बटा में एम बराबर क्या आ जाएगा, माइनस एफ जीरो बटा में यू, ये इसकी आवर्धन क्षमता आ जाएगी, ये इसकी क्या आ जाएगी आवर्धन क्षमता, एम की वैल्यू कितनी आ गई एफ जीरो बटा में यू, ठीक है, एफ जीरो बटा में यू ई ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये आवर्धन क्षमता अपने पास आ गई। अब आप इसके लिए अलग अलग कंडीशन ले सकते हो, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, कि जब न्यूनतम दूरी पर हो और जब अनंत पर, ठीक है, जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बने और अनंत पर बने, ठीक है, सिंपल सा है, इक्वेशन नंबर दो दे दो, ठीक है। तो इसमें केस नंबर फर्स्ट करते हैं, अपन दो केस करेंगे इसके, तो वी ई बराबर माइनस का डी, ठीक है, यू ई बराबर माइनस का यू, लेंस सूत्र लगा दो, ठीक है। तो यहां से देखो आप, आपको एफ जीरो बटा में यू ई चाहिए, एफ जीरो बटा में क्या चाहिए यू ई, तो आप क्या करोगे, पहले वैल्यू रखो, सॉरी इसकी माइनस डी, इसको इधर ले आओ, ये इधर चला जाएगा, अब क्या करोगे आप, आपके पास जो एम की वैल्यू है वो क्या है, एफ जीरो बटा में यू माइनस, तो एफ जीरो का आप दोनों तरफ क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो माइनस एफ जीरो बटा में यू, यही लिख देते हैं एफ जीरो माइनस बाहर है तो वन पॉन में डी प्लस वन पॉन में एफ ई, ये वैल्यू क्या हो जाएगी एम, ये आ रहा है कब, जब प्रतिबिंब कहाँ बने न्यूनतम दूरी पर बने, तब आपके पास आवर्धन क्षमता ये आ, इसके बाद सेकंड केस जब अनंत पर बने तो या अनंत रख दो या एक बटे अनंत क्या होता है जीरो, ये बच गया आपके पास, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखो आप,
एक बटा में यू, यानी कि एफ ई बराबर, या एक काम करो आप, आपको एफ जीरो बटा में यू जीरो यू ई चाहिए, तो आप क्या करोगे, माइनस एफ जीरो का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ गुणा, सॉरी एफ जीरो ये वैल्यू एम हो जाएगी, ये एम हो जाएगी, जब कहा हो अनंत दूरी पर, ठीक, तो ये अपनी हो जाएगी खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, ठीक है। अब लास्ट अपने पास बचती है न्यूटन परावर्तक दूरदर्शी, उसको देख लो जल्दी से, न्यूटन परावर्तक दूरदर्शी। अब ये क्या होती है, न्यूटन परावर्तक दूरदर्शी, देखो जो खगोलीय पिंड है उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए, उनकी ब्राइटनेस या जो चमक है उनको बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अपने न्यूटन परावर्तक दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। अब सॉरी, जो इसकी ब्राइटनेस को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता था, इसमें अपने बड़े बड़े यदि फोकस दूरी वाले लेंसों का उपयोग करें, लेंसों का, उत्तल लेंसों का उपयोग करें, तब इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाया जा सकता था। लेकिन क्या था कि जो बड़े फोकस दूरी के लेंस थे उससे कई दोष उत्पन्न हो जाते थे, ठीक है, जैसे वर्ण विपतन है, गोलीय विपतन है, ये सारे दोष उत्पन्न होता हो जाते थे, इस कारण उसको रिप्लेस किया है इसने, न्यूटन ने किसने क्या किया, किया उसको लेंसों को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। लेंस की जगह इन्होंने किसका उपयोग किया, अवतल दर्पण का उपयोग, किसका, अवतल दर्पण का उपयोग किया किसने, न्यूटन, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं परावर्तन किससे होता है, दर्पण से होता है, ठीक है, उसने किसका उपयोग किया है, इसलिए इसका नाम लिखा न्यूटन परावर्तक दूरदर्शी, ठीक है। तो अवतल दर्पण का इसके अंदर उपयोग किया गया, ठीक है। बड़ी फोकस, अगर अपने को अच्छे इमेज लेनी थी तो आपको बड़ी फोकस दूरी के लेंस चाहिए होते थे इस प्रकार के, और ये ज़्यादा एक तो कॉस्टली थे, दूसरे इसमें दोष आता था, वर्ण विपतन और गोलीय विपतन जैसे दोष आते थे, ये आपके सिलेबस में नहीं, आगे बीएससी में पढ़ोगे आप, ठीक है। अब इसको दोषों को ख़त्म करने के लिए इसने क्या किया कि न्यूटन ने एक अवतल दर्पण का उपयोग किया, तो इसका रे डायग्राम है वो किस प्रकार से रहेगा, कुछ ये देख लो आप, ये बड़ा सारा बड़ी फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। और यहां पर इसने क्या किया, 45 डिग्री के एंगल पर एक मिरर रख दिया एम, 45 डिग्री के कोण पर एक मिरर रख दिया एम, ठीक है। अब प्रकाशीय किरणें क्या हुई, अनंत से आएंगे, कहाँ से आएंगे, अनंत से आएंगे, किस प्रकार से, अब ये क्या होंगी, इसके बाद वो कहीं ना कहीं फोकस बिंदु पर मिलेंगी, फोकस तल पे मिलती है, अनंत से आने वाले प्रकाशीय किरणें कहाँ पर मिलती हैं, फोकस तल पे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आगे यहाँ दर्पण है, ये दर्पण इसको पहले ही रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसको देखो आप, ये इस प्रकार से जाएंगे कुछ, ऐसे यहाँ पर एक इमेज बन जाएगी इसकी, ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक इमेज बन जाएगी, आगे यहाँ एक लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस, ठीक है, यहाँ एक क्या लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, यहाँ पर प्रकाश से किरण टकराते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इससे टकराएंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इससे टकराते हैं,
तो यहाँ तो मिलती नहीं है, पीछे कहीं ना कहीं जा करके मिलेंगी, यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ कुछ मिलती है तो यहाँ इसका एक बड़ी इमेज प्राप्त हो जाती है। ये आप फिर कॉपी बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगा, बोर्ड पे थोड़ा खराब हो। ठीक है, इस डायग्राम को देख लेना आप लोग, बस इसमें डायग्राम ही है एक बस, और कुछ डेरिवेशन कुछ भी नहीं। ठीक है, ये रेस सही नहीं बनी, ये आप देख लेना इसमें। ठीक है, इस प्रकार से आई है। फिर बाद में पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है आपको, तो इसका ये आभासी प्रतिबिंब आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक है, ये होती है न्यूटन अपवर्तक दूरदर्शी। ठीक है, छोटा सा ये टॉपिक, इसको आप बुक में से पढ़ सकते हो, अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, बाकी आपको नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ डायग्राम है इसके अंदर और कुछ भी नहीं। ठीक, ये आपकी होगी दूरदर्शी कंप्लीट। ठीक है, तो ये अपना लेसन हो गया कंप्लीट, कल अपने नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने, थैंक यू।